दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी या फिर सेटअप है और आप चाहते हैं उसको इंडिकेटर के रूप में चेंज करना, लेकिन कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि AI का यूज करके अपने अनुसार, अपने सेटअप के अनुसार एक इंडिकेटर कैसे बना सकें बिल्कुल फ्री में। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, हम लोग ट्रेडिंग व्यू में जिस भी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं उस स्क्रिप्ट का नाम क्या होता है, पाइन स्क्रिप्ट। हमको यहाँ पर कोडिंग की जो भी जरूरत पड़ने वाली है पाइन स्क्रिप्ट की पड़ने वाली है, तो कैसे यूज करेंगे सारी चीज़ें चलिए हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे जिससे एक बिगनर ट्रेडर भी खुद का एक इंडिकेटर बना पाए और खुद के सेटअप के अनुसार यहाँ पे ट्रेड कर पाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि स्क्रीन पर एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि हमने खुद के नाम का बनाया हुआ है और वह सारी कंडीशन यहाँ पर हमने पुट कर दी है जो कि एक ट्रेडर को काम आती हैं। इसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं, इसके बाद हम चलिए देखते हैं बेसिक से कैसे इंडिकेटर एक बनाना है और आप इस इंडिकेटर को बना के आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और लाइव मार्केट में भी वर्क करता है। आप यहां पर देख सकते हैं हमने एक अपने नाम का यहां पे इंडिकेटर बनाया हुआ है जिसमें हमने ADX को, EMA को और हाई लो को यहाँ पे भी डाला हुआ है और आप देख सकते हैं बार का कलर भी हमने यहाँ पे चेंज करने के डाल दिया है। ADX सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पुट कर दी हैं और आप देख सकते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी बन चुकी है यहाँ पे। और जहाँ पर भी मोमेंटम होता है कैंडल अपने आप कलर चेंज कर देता है और वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं जो लो होता है, हाई होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लाइव मार्केट में मार करता हुआ चलता है। ओके, तो ये तो यहाँ पर रही बात किसकी, जो कि हमने खुद के एक इंडिकेटर बनाया है जिसका नाम यहाँ पर प्रशांत रस्तोगी रखा है। आप यहाँ पे इसका नाम अपने अनुसार रख सकते हैं, अपने इंडिकेटर का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, अब हम चलिए बेसिक से समझ लेते हैं कि खुद का इंडिकेटर कैसे बनाना है और थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड रहेगा कैसे, क्योंकि आपको यहाँ पे ChatGPT का यूज करना है और कुछ इरर भी आते हैं। अगर आप मेहनत करके यहाँ पे एक इंडिकेटर बना भी लेते हैं बढ़िया सा तो बढ़िया रहेगा। ओके, थोड़ा सा आपको वर्क करना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है, तब जाके आप यहाँ पे एक इंडिकेटर बना पाएंगे। और बहुत ही ईजी है, आपको यहाँ पे जो मैन्युअली यहाँ पे कोडिंग करना होता है उससे बहुत ही यहाँ पे कम समय लगने वाला है। ओके, चलिए हम आपके सामने एक नया इंडिकेटर बना के दिखाते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, हम जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे उसको पुट कहाँ पे करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे क्या उठाएंगे, एक पाइन स्क्रिप्ट उठाएंगे और उसको हम लोग क्या है ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे एडिट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइन एडिटर, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट करने वाले हैं। कहाँ पे, इस पे हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको आप यहाँ पे नाम अपना यहाँ पे हटा सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर पाएंगे। कैसे करना सारी चीज़ें चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ChatGPT को ओपन नहीं करना है कि तुरंत ओपन कर लिया चलिए हम लोग इंडिकेटर बनाते, ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कॉलम बनाना है और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, रिक्वायरमेंट आपकी क्या होनी चाहिए। आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि अपने इंडिकेटर में एक क्या होना चाहिए, EMA होना चाहिए, ओके, बढ़िया बात है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहते हैं कि पिवट पॉइंट भी होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, सुपर ट्रेंड भी होना चाहिए, बहुत सारे आपने यहाँ पे नाम याद कर लिए इंडिकेटर के और आप चाहते हैं कि हम एक कंबाइन इंडिकेटर बनाएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिकेटर बनाने जाते हैं तो आपको वहाँ पे दो कैटेगरी देखने को मिलती है। दो कैटेगरी कौन सी होती है, एक होता है इंडिकेटर, एक होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हैं कि जो भी चार्ट के यहाँ पे नीचे लगेगा जैसे RSI, MACD, तो उसको हम क्या है इंडिकेटर के साथ कंबाइन नहीं कर सकते कि जैसे एक यहाँ पे चार्ट पे चल रहा है और एक नीचे भी चल रहा है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। ओके, इरर बहुत सारी आती हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो चीज़ें चार्ट पे चलती हैं, जो कि यहाँ पे चार्ट पे शो होती हैं, आप उनको यहाँ पे कंबाइन करेंगे एक साथ और अपने जो सेटअप के अनुसार उसको बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमको जो ऑसिलेटर में कंबाइन करना है या नया इंडिकेटर बनाना है तो आप ऑसिलेटर में भी बना पाएंगे। ओके, ये चीज़ें भी आपको काम आने वाली हैं, इसलिए यहाँ पे सोचा हम आपको बता देते हैं कैसे आप कि आप यहाँ पे फंसे ना, इरर शो करें तो आप यहाँ पे डरे ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे आपके सामने एक नया इंडिकेटर बनाने जा रहे हैं और कैसे क्या करना है चलिए देखते हैं। अगर हमको यहाँ पे इंडिकेटर में खुद के चाहिए कि हमको हाई लो पता होना चाहिए, ठीक है, अगर हमको प्रीवियस दिन का हाई लो पता हो जाएगा तो उसके बेस पे भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, हाई लो आपको क्या चाहिए, प्रीवियस दिन का चाहिए। आप क्या करेंगे, कॉपी पेन यहाँ पे उठाएंगे, नोटबुक कर लेंगे कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। ओके, आप यहाँ पे प्रीवियस डे हाई लो आपको चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप हमको एक EMA भी दे दीजिए, ठीक है, EMA भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि साथ साथ में अगर हमको यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी मिल जाए, सुपर ट्रेंड भी मिल जाए,
या फिर वे सारी चीज़ें अगर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हैं आप यहाँ पे नोट कर लेंगे और उसको यहाँ पे पुट करेंगे। कैसे करेंगे ये चलिए हम देख लेते हैं। वही सारी चीज़ें आपको ही करना है। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी कैंडलस्टिक पे वर्क करती है तो आप कैंडलस्टिक भी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपको कैंडलस्टिक भी हाईलाइट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग को केवल हाईलाइट करे तो बुलिश इनगल्फिंग को हाईलाइट करेगा। ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो हम आपको एक डेमो के लिए आपको एक इंडिकेटर बना के दिखा देते हैं कैसे क्या करना है। ओके, अब से सबसे पहले क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन कर लेना। इसकी लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर पाएंगे। आप इसको क्या है गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, उसके बाद आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैसेज चैट जीपीटी। आप यहाँ पे जो भी लिखने वाली सारी चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अब हम कैसे इंडिकेटर बनाएंगे, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिख देना है यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ओके, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं वीकली और क्या करेंगे मंथली डेली, ये क्या है हाई लो यहाँ पे मार्क करवाने की कोशिश करते हैं चैट जीपीटी का यूज करके। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइन स्क्रिप्ट आई नीड फॉर डेली, मंथली से यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं या फिर वीकली से चलिए करते हैं, वीकली डेली हाई हाई लो लेवल्स और यहाँ पे इतना यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब यह क्या करेगा कि हमको जो वीकली रहेगा डेली रहेगा ये क्या है हाई लो मार्क करके देगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे इसके बाद क्या आप बड़ी स्क्रिप्ट बना पाएंगे इसका यूज करके। ओके, तो क्या करेंगे सिंपल पाइन एडिटर में जाएंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकेंगे अगर यहाँ पे इसने ऐड कर दिया तो क्या होगा यहाँ पे शो हो जाएगा चार्ट में, नहीं तो इरर शो करेगा। तो फिर से क्या करेंगे उस इरर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, और इसको हम क्या कर देते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कर देते हैं चार्ट को थोड़ा सा क्लियर दिखे। ओके, इसको यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं इतना और आपके पास कोई बेस्ट स्ट्रेटजी है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे आपका खुद का एक इंडिकेटर बनवा के प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसका क्या थोड़ा सा आपसे फीस चार्ज किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी इंडिकेटर बनवाया जाता है या बनाया जाता है तो थोड़ा सा मेहनत लगता है क्योंकि ईरर बहुत सारे आते हैं, उसको सही करना होता है और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इसको बनाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ईरर आ चुका है तो इसको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं यूज एनी ट्रिक। ओके, कोई भी ट्रिक आप यूज करिए, हमको यहाँ पे ऐसा चाहिए इंडिकेटर जो कि डेली वीकली को यहाँ पे मार्क कर सके। ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं कॉपी करके कि क्या कह रहा है। आपको ये सारी परेशानी होंगी जब आप इस खुद का यहाँ पे बनाएंगे। ओके, इसीलिए हम आपको यहाँ पे लाइव में आपको करके दिखा देते हैं। देखिए अब क्या यहाँ पे लग चुका है, देखिए वीकली डेली हाई लो इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है। सिंपल क्या करेंगे सेटिंग में जाएंगे और कितने वीक का आप चाहते हैं, 10 वीक का, 5 वीक का, 15-20, आप कुछ भी कर सकते हैं। वीकली जो हाई रहेगा वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं, आप क्या सारी चीज़ों को सर्कल भी कर सकते हैं और इसका आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कहाँ पे क्या है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर ब्लू वाला ये किसको इंडिकेट कर रहा है, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे सेटिंग भी देख पाएंगे, जो यहाँ पे ब्लू है ये क्या है हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपना हाई है डेली का, ये क्या है लो जब बनता रहेगा मार्केट में तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चलती रहेंगी, और जो वीकली का हाई रहेगा वो क्या है ग्रीन रहेगा और वीकली का जो लो रहेगा वो क्या है रेड रहेगा। तो देखें इस वीक का जो यहाँ पे लो है ये रहेगा, देखिए यहाँ पे देखते हैं ऊपर और देखिए वीकली का जो यहाँ पे हाई रहेगा ये है ऊपर और जो लो है यहाँ पे नीचे भी बनता हुआ जा रहा है, क्लोजिंग नहीं हुई है तो ये डिपेंड करेगा क्लोजिंग होने पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं और आप इसका यूज करके बेस्ट स्ट्रेटजी बना सकते हैं और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको केवल एक वीक का चाहिए तो आप एक वीक का यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एक वीक का ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएंगे।
देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपको मेहनत नहीं लगने वाली है। तो अगर आप सिंपल सिंपल चीज़ों को बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर पाएंगे सारी चीज़ें। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम ए भी ऐड कर दें, क्या ईएमए को ऐड करना चाहते हैं, आप कह दीजिए इससे आई नीड ईएमए इन दिस इंडिकेटर, ओके पाइन स्क्रिप्ट। ओके, अब क्या है, ये इसको प्रोसेस करेगा और आपको एक इसमें ईएमए ऐड करके दे देगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि ईएमए भी हमको मिलना चाहिए तो आप ईएमए भी ले सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, एक एक सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे, पाइन एडिटर में जाएंगे, सिंपल इसको हटाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे लग तो चुका है और क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे और 9 पीरियड का ईएमए लगा हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, लाइन में कर देंगे ना, तभी यहाँ पे हमको सही दिखेगा। और आप देख सकेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक ईएमए लग चुका है 9 पीरियड का। तो आप जितना भी लगाना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे और आप उसको कह सकते हैं, देखिए पहले ईएमए नहीं था ना, और आप देखिए ईएमए आ चुका है उनकी स्ट्रेटजी के अनुसार। देखिए बहुत सिंपल इंडिकेटर बनवाया था इन्होंने और इनकी क्राइटेरिया भी बहुत बढ़िया थी और सिंपल यहाँ पे बाई सेल करता हुआ आपको देता है सेल सिग्नल और ग्रीन। जहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है वहाँ पे ग्रीन बन जाता है और जहाँ से नीचे आता है वहाँ से नीचे आपको शो होता दिखाई देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एक बना हुआ है इंडिकेटर, एक ऑलवेज ग्रो का कंबाइन इंडिकेटर है। आप देख सकते हैं ये भी इंडिकेटर यहाँ पे है जो कि बना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और आप खुद का भी यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको आपका जो स्ट्रेटजी होगा आपके सेटअप के अनुसार इंडिकेटर बनवा के प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। तो इसी के साथ यहाँ पे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, थैंक यू।